पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन, भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के बदलापुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां नमाज अदा करने गए 9 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद 25 लाख रुपए फिरौती नहीं देने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। दो संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बदलापुर में ये दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां 9 साल के बच्चे की किडनैपरों ने फिरौती ना मिलने पर उसे हत्या कर मौत के घाट उसे उतार दिया है। बदलापुर ग्रामीण पुलिस थाने के हद में यह घटना हुआ है। होली के त्यौहार का दिन था और घटना के कारण इलाके में सन्नाटा फैला हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार बदलापुर के वांगनी ग्रामीण गोरेगांव इलाके में मुदस्सिर बुबेरे नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहां पर रहता है और मुदस्सिर का उसी इलाके में सिलाई की एक छोटी सी दुकान है। उनका 9 साल का बेटा इबाद 4th क्लास में पढ़ता है और रमज़ान का महीना शुरू हुआ और इबाद नियम अनुसार शाम की नमाज पढ़ने गया था, लेकिन रात होने के बाद भी वो घर वापस नहीं आया। रात 9 बजे के बाद भी इबाद घर नहीं आया तो उसके परिवार वालों ने आस पड़ोस में खोजबीन शुरू की। इसी बीच इबाद के माता पिता को एक गुमनाम कॉल आई, जिसमें 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी। इबाद के डरे हुए माता पिता ने इसकी सूचना कुलगांव ग्रामीण पुलिस को दी। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक DS स्वामी के नेतृत्व में बदलापुर ग्रामीण पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव इलाके में रात भर बच्चे की तलाश में जुटी रही। बहरहाल इस घटना से गोरेगांव इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने इस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को ट्रेस की और पुलिस किडनैपर के घर तक जा पहुंची। जब तक आरोपियों को भनक लग चुकी थी कि पुलिस उनके घर तक पहुँच रही है। इसके डर की वजह से पुलिस जाँच करने उनके घर आएगी तो बच्चे की हत्या कर दी गई और उसके शव को बोरे में भरकर घर के पीछे छिपा दिया। पुलिस अधीक्षक DS स्वामी ने बताया कि आगे की जांच करते हुए कुछ चीज़ों पर संदेह होने पर पुलिस ने तुरंत पड़ोसी के घर से कुछ संदिग्ध को संदिग्ध के रूप में हिरासत में लिया और बताया गया कि इबाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए JJ अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के मामले में आगे जांच चल रही है कि आखिर ये अपराध क्यों हुआ, आरोपियों ने इबाद को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कोरगाव पुलिस स्टेशन हद्दी में गोरेगाव नाव गावा अशा प्रकारची घटना जी आहे ती रॅन्सनसाठी ज्याला आपण म्हणतो किडनॅप करणं, अपहरण करणं असा हा प्रकार आहे। आणि ह्या प्रकारामध्ये नंतर त्या मुलाचा जो आहे त्या मुलाचा खून पण झालेला आणि ह्या अनुषंगानं पोलीस योग्य तो तपास करत आहेत। त्याच्यामध्ये पोलिसांनी अत्यंत कमी वेळामध्ये त्याच्यामध्ये जे आरोपी आहेत ते पूर्ण निष्पन्न केलेले आहेत आणि ताब्यात घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये जो आहे तो पुढील तपास चालू। किती आरोपी आहेत सर? आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत सगळ्या तपासाच्या आहेत, तपासामध्ये आपल्याला पूर्ण बाबी हळूहळू निष्पन्न होते। सर आतापर्यंत किती आरोपींना ताब्यात घेतलं? तेच सांगितलं मी तुम्हाला, आता ज्या गोष्टी आहेत त्या प्रायमरी लेवलवरच्या सगळ्या गोष्टी आहेत। त्याच्यामुळे प्रायमरी लेवलवरती गुन्हा दाखल आहे, त्याच्यामध्ये खून झालेला आहे, आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत आणि याच्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन जे आहे ते इन्व्हेस्टिगेशन पूर्णपणे याच्या तपासात पुन्हा आणखी तुम्हाला डिटेल आम्ही देऊ।